करनाल के इंद्री सरकारी अस्पताल की एक नर्स व एक वार्ड बॉय कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसको लेकर इंद्री स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। अब सभी के कोरोना के सैंपल लिए गए हैं। इसके अतिरिक्त अस्पताल में दाखिल होने वाले सभी मरीजों के भी सैंपल लिए जा रहे हैं। वहीं डॉक्टर अब्रोल ने बताया कि कोरोना के केस एक बार फिर से बढ़ने लग गए हैं, इसके लिए हमें अभी भी परहेज रखने की जरूरत है। कोरोना के बचाव के लिए मास्क का प्रयोग करना, हाथों को बार बार साबुन से धोना और सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना अति आवश्यक है। डॉक्टर अब्रोल ने बताया कि लगभग काफी संख्या में स्कूली बच्चों की कोरोना जांच की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि कोई भी सरकारी अस्पताल में निःशुल्क कोरोना की जांच करवा सकता है। उन्होंने बताया कि अब तक सरकारी अस्पताल में 333 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है, जिनमें 142 हेल्थ वर्कर व 135 फ्रंटलाइन वर्कर शामिल हैं। इनमें से 277 लोगों को प्रथम चरण की व 56 लोगों को दूसरे चरण की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। डॉक्टर अब्रोल ने बताया कि वो खुद भी कोरोना की वैक्सीन लगवा चुके हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वही SMO डॉक्टर संदीप अब्रोल ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से 15 साल के ऊपर के बच्चे जिनका नाम जन्म प्रमाण पत्र में किसी कारण से नहीं लिखा हुआ है, उनको 2024 तक फिर से अपना नाम दर्ज कराने की छूट दी है। इसके लिए सरल केंद्र पर जाकर अप्लाई करना होगा। जो हमारी कोरोना वैक्सीनेशन का है, थोड़ा सा मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि केसेस में थोड़ी सी रिसर्जेंस दोबारा आनी शुरू हो गई है। जैसे कि न्यूज़ में सब सुन रहे हैं कि बॉम्बे में और कुछ हद तक दिल्ली में, कुछ स्टेट्स में फिर से केस बढ़ रहे हैं। तो हमारे को जो मास्क के प्रिकॉशन हैं, हाथ धोने के प्रिकॉशन हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के प्रिकॉशन हैं, उन सब का अब ध्यान रखने की दोबारा से आवश्यकता है। दोबारा उसको हमें ध्यान रखना है कि अगर सरकार ने स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल सब कुछ खोल भी दिया है, तो उसका हमें ये मतलब नहीं निकालना कि हम सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना भूल जाएं। सारी एक्टिविटीज़ नॉर्मल धीरे धीरे हमें करनी है, परंतु मास्क, हैंड वॉशिंग, सोशल डिस्टेंसिंग तब भी हमें मेंटेन रखनी है। और एक और मेरा सबसे अनुरोध है, सभी स्कूली बच्चों का हमने लगभग टेस्ट काफ़ी कर दिए हैं। जनसाधारण की तरफ से मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर अपना निशुल्क यहां पर टेस्ट किसी भी वर्किंग डे में सुबह 9 बजे से लेके 1 बजे तक हम सैंपल कलेक्ट करते हैं, तो अपना अवश्य करवाएं। टीकाकरण कितने लोगों का हो गया और क्या और जो टीकाकरण हमारे पास चल रहा है, जैसे कि आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि हमारी अभी हेल्थ वर्कर्स का पहले टीकाकरण हो रहा था, उसके अलावा हमने फ्रंटलाइन वर्कर्स का भी टीकाकरण कर दिया है। तो अभी तक हम कुल इस संस्थान में 333 टीके ऑलरेडी लगा चुके हैं, और उसमें से जो फर्स्ट डोज वाले हैं वो 277 हैं, और 56 लोग ऐसे हैं जिनको सेकंड डोज भी लग चुकी है। हेल्थ वर्कर्स 142 और हमारे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं 135 फ्रंटलाइन वर्कर भी ये टीकाकरण करवा चुके हैं। टीकाकरण बिल्कुल सेफ़ है, मैंने स्वयं भी टीकाकरण करवाया, मेरे डॉक्टर्स ने, मेरे स्टाफ ने भी करवाया है। किसी को भी कोई साइड इफ़ेक्ट मेजर नहीं हुआ, छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट 4-6 घंटे एक दिन के बाद सब ठीक रहे हैं। तो पुनः मैं आग्रह करवाता हूं कि जिसका भी नाम टीकाकरण में आता है, क्योंकि अभी हमें एक समस्या आ रही है कि अब फ्रंटलाइन वर्कर्स में, खासकर पंचायत में जो स्वीपर्स हैं, पंचायत में जो चौकीदार हैं, इनका नाम हमारे पास टीकाकरण में आ चुका है, परंतु हमारे बार बार इनको दूरभाष पर संपर्क करने के बाद, SDM ऑफिस के थ्रू इनको मैसेज करवाने के बाद, BDPO को और सरपंचों के थ्रू मैसेज करवाने के बाद भी इनकी तरफ से जितना रिस्पांस आना चाहिए, सरकार जो इनके बचाव के लिए इतना बड़ा कार्यक्रम चला रही है, हमें थोड़ा इनसे सहयोग कम मिल रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरा इनसे अपील है कि ये सब आकर अपना टीकाकरण करवा कर खुद को भी सेफ़ रखेंगे, अपने परिवार को सेफ़ रखेंगे। कोरोना की ना तो देखो बीमारी ऐसा नहीं है, हम अभी कह सकते हैं कि जी पूरे विश्व से या पूरे हमारे प्रदेश से चली गई है। हमें प्रिकॉशन और टीकाकरण दोनों पे ज़्यादा ध्यान और ज़्यादा उसके अंदर कोऑपरेशन करना चाहिए। कोई पॉजिटिव भी आया अपने स्टाफ? हाँ, अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हम हेल्थ वर्कर्स, हमारी स्टाफ नर्सेज, हमारे डॉक्टर्स हमेशा मरीजों से कॉन्टैक्ट में रहते हैं, क्लोज कॉन्टैक्ट में रहते हैं डिलीवरी के दौरान, उनके इलाज के दौरान। तो हमारा एक यहाँ का वार्ड बॉय, एक हमारी स्टाफ नर्स पॉजिटिव आ गई है। अन्य लोगों के भी सैंपल गए हुए हैं जिनका हमारे को हो सकता है कि 2-4 दिन में एक बार रिपीट सैंपल भी करवाना पड़े। इसीलिए मैंने आज ही ये कार्यालय देश निकाल दिए हैं कि जितने भी हमारे यहाँ भर्ती मरीज़ हैं
उन सब का हम कोरोना टेस्ट अवश्य करेंगे ताकि वो खुद भी सुरक्षित रहें और हमारा स्टाफ भी उनसे संक्रमित ना हो। तो एंटीजन होंगे या आरटीपीसीआर? हम ज़्यादातर 99% आरटीपीसीआर ही करते हैं और एंटीजन सिर्फ एक इमरजेंसी टेस्ट है, जब हमारे अगर कोई ऑपरेशन केस होता है और अगर अवेलेबिलिटी होती है तभी हम एंटीजन करते हैं, नहीं तो हम आरटीपीसीआर टेस्ट जो कल्पना चावला से हमारे हो रहे हैं उन्हीं के ऊपर हमारा जोर ज़्यादा है। तो आरटीपीसीआर हर रोज हो रहे हैं? आरटीपीसीआर हम रोज़ कर रहे हैं, जो भी वर्किंग डेज हैं हमारे सारे सवेरे 9 बजे से 1 बजे तक हम सारे सैंपल कलेक्ट करके उसके बाद पैक करके फिर करनाल कल्पना चावला भेज देते हैं। कितने हो रहे हैं प्रतिदिन? जिस दिन जब तो स्कूली बच्चे आ रहे थे तो हमारे पास 100 से 150 भी हो रहे हैं, जैसे हमारे पास इस संस्थान के अंतर्गत 7-8 PHCs भी हैं जहाँ पे सैम्पलिंग हो रही है, तो कभी कहीं से 150 कहीं से 200 तक सैंपल स्कूल्स के माध्यम से हमारे पास हुए हैं और लगभग रोज इंद्री ब्लॉक से 300 से 400 सैंपल हम कोशिश करते हैं कि रोज़ हम करनाल ज़रूर भेजें। ब्रेकिंग न्यूज रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।